आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 को अगर हम देखें तो यहां पे हमें एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? जीरो। हमें ये शो करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं? देखो सर, एट्थ आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इसके बाद आगे देखिए जरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, नहीं एक्स वाई से, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है? जीरो दी हुई है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर ये एज इट इज आ जाएगा सब कुछ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। बेटा यहां पर वैल्यू क्या दी हुई है? जीरो इंटू, आगे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या होगा बेटा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो बिकम्स जीरो। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ये बेटा क्या हो गया? जीरो। ये माइनस में है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड, हैंस रूट, हैंस रूट। इस तरीके से क्लियर हो गई बात या नहीं? तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है जीरो, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।